हेलो दोस्तों, कुकिंग हिंग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ये क्रिस्पी बनी हुई है, थोड़ा सा भी ये चिपकने वाला नहीं है आपकी दांतों में, ये इतना टेस्टी बनी हुई है। यहाँ पे आज हम पोहा की लाई बना रहे हैं जो बिहार में काफ़ी फेमस है मकर संक्रांति के ऊपर। तो मकर संक्रांति आने वाले हैं तो ये सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करें। तो यहाँ पर हम एक कप चूरा ले लिए हैं, आप इसे पोहा भी कह सकते हैं, इसे अच्छे से फ्रेश कर लें। और कढ़ाई में बिना तेल रखे हम इसे रोस्ट करेंगे, तो इसे आप कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करें। इसे हमें डार्क नहीं करना है, बस ये सफ़ेद ही रहेंगे, थोड़ा सा ये क्रिस्पी बन जाए। तो इसे हमें रोस्ट करने में 5 से 7 मिनट टाइम लग जाएंगे। गैस का फ्लेम आप हाई करके रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें से हम निकाल के इस तरह क्रश करेंगे, देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है। इसका कलर भी पहले से आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसे हम किसी बर्तन में निकालेंगे और उसी कढ़ाई में करीब आधा कप हम पानी रखेंगे और 200 ग्राम हम इसमें गुड़ रखेंगे, जागिरी। इसे हम जागिरी में बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर जैसे थोड़ा हीट होगी ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे, बहुत ईजी से मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, बस 2 से 3 मिनट लगे हैं टाइम और बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। तो इसे हम चलाते रहेंगे, हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप एक कटोरी में पानी ले लें और इसे 2 से 3 मिनट उबलने के बाद आप इस तरीके से चेक करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें डालकर देखेंगे इस तरीके से। जब इसकी बॉल्स बनने लगेगी तो यहाँ पे हम गैस बंद करेंगे। तो फिलहाल अभी बॉल्स नहीं बन रही है क्योंकि अभी ये ज़्यादा लिक्विड है, थोड़ा सा और 10-20 सेकेंड के लिए और कुक करेंगे और फिर से हम दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा इसका बॉल्स बन जाएंगे इस तरीके से। जब आप निकाल कर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत इजी से बॉल्स तैयार है। इसका मतलब जो आपकी चाशनी बनी है वो परफेक्ट है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए, 10 से 20 सेकेंड ही, इसे गैस बंद करने के बाद इसे हम थोड़ा सा चलाते हुए ठंडा करेंगे। हमें ज़्यादा इसे ठंडा नहीं करना है, बस कुछ सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर हम इसे चला के थोड़ा सा ठंडा कर दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं गैस बिल्कुल बंद है, ऐसा नहीं कि हमने गैस ऑन किया और आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे ठंडा होने के बाद हम इसमें जो पोहा को हम रोस्ट किए हैं उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, अगर आपको थोड़ा मिठास कम पसंद है तो यहाँ पे आप गुड़ की जो हम 200 ग्राम लिए हैं आप उसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा गुड़ रहती है तो ये जो चूरा की लाई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ठंडी के मौसम है, शरीर में गर्माहट भी रहती है इसे खाने से, ठंडी के ये रेसिपी भी है। तो इस तरीके से आप अपने पसंद से इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में हम सेट करेंगे, थोड़ा सा उसमें हम कोई भी ऑयल लगा देंगे या फिर घी भी ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जो पोहा का गुड़ के साथ हमने मिक्स किया है उसे डालेंगे और अच्छे से हम इसे चारों तरफ फैला देंगे और इसे मैं जैसा आप चाहें उस तरीके के शेप आप इसका दे सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे बॉल्स भी इसके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम बॉल्स नहीं तैयार करेंगे, इसे हम फैला दे रहे हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसे खूबसूरत दिखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम सफ़ेद तिल का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए हमने स्क्वायर शेप में इसे दे दिया है, इसे हम थोड़ा सा और भी डिलीशियस बना देते हैं। यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा छोटी चम्मच से सफ़ेद तिल लिए हैं, इसे रोस्ट कर ले रहे हैं ताकि जब ये सेवन करें तो ये तीखापन नहीं आए इसमें, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आ जाएगी तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई, इसका कलर भी चेंज है। तो जो हमने प्लेट में चूरा को फैलाया है उसके ऊपर इसे थोड़ा सा हम फैला देंगे अच्छे से इस तरीके से, चम्मच के सहारे से आप कर दें क्योंकि अभी जो हमने रोस्ट किया है तो ये भी गर्म है, तो
तो हमारी हाथ नहीं सहन कर पा रही है, तो इससे हम अच्छे से फैला देंगे और थोड़ा सा इसे हम दबा देंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाए गुड़ के साथ। एक बात हम आपको यहाँ पे कर दें, इसे आप अभी ही सेप दे दें, नहीं तो जब ये सेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है, तो यहाँ पे इसे अभी ही आप कट कर लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी भी चाकू से आप अपने पसंद से कट कर सकते हैं, बस थोड़ा सेट हो जाए, ठंडा हो जाए। तो ये देखिए अंदर से भी पूरी सॉफ्ट है जब हम कट कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चल रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे, इसे हम स्क्वायर शेप दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है, बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। साथ ही ये जो हमने ऊपर से सफ़ेद तिल डाला है उसे तो देखने में टेस्टी है ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो ये लीजिए, अब ये जब पूरी अच्छे से ठंडा हो जाएगी उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कितना इजी से ये बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, और ये कितना ब्यूटीफुल, कितना टेस्टी लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, कितना मतलब टेस्टी मिठाई बनी हुई है। तो आप इसे चूड़ा की मिठाई भी कह सकते हैं, लाई भी कह सकते हैं, बिहार के जो भाषे में है इसे लाई ही बोला जाता है। तो इस तरीके से आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द मकर संक्रांति आने वाली है। तो बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर ये बहुत ही ज़्यादा बनती है हम लोगों को घर में, तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दें। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबा दें, और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले चल जाए। तो यहाँ पे हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से मतलब इसकी जो आवाज़ है वो आ रही है। तो यहाँ पे हमने अपने तरफ से बहुत ही अच्छे से कोशिश किया आपको समझा कर बताएं। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलते हैं।